नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम है रिचा डिवाइन विजन आदि चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अपना ख्याल रख रहे हो कि नहीं? बिकॉज आप मेरे लिए अमूल्य हो। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो चीज़ हम आज चाहते हैं, जो भी हम चाहते, जो भी हमारी विश है, जो भी हम आज चाहते कि हो, हमें मिले, वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारी किस्मत में था। अगर वो हमें नहीं मिलता है तो वो शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था। भगवान ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत दुख देख लिए लाइफ में और दुख ना पहुँचाए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एक पॉपुलर सेइंग है, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। तो मान लो कोई इंटरव्यू है, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए, ठीक है, या कोई लव प्रपोजल है, उसे रिजेक्ट कर दिया, वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए, वो ब्लेसिंग है आपके लिए। जो आपको आज रियलाइज नहीं हो रहा, वो आपको कल रियलाइज होगा, जब आपको उससे भी अच्छी चीज़ मिलेगी, उससे भी अच्छा पर्सन मिलेगा, उससे भी अच्छी जॉब मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ही हुआ। भगवान को जाके थैंक्स करोगे बकायदा जाके कि थैंक यू, आपने वो चीज़ नहीं करी उस टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या अच्छा है, वो हमारे विधाता है, उनको पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, सो अगर कोई चीज़ होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो भी अच्छा है, उसमें कुछ अच्छा ही छुपा होगा। ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, राइट? ओके, तो ये थोड़ी सी मैं गुफ्तगू आप लोगों से करना चाह रही थी, आदत हो गई, आदत से मजबूर। ठीक है, ओके, चलिए। सो आज की जो रीडिंग है वो है एक येस और नो रीडिंग, वेरी रिक्वेस्टेड टॉपिक। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे आज चार पाइल्स रखी हैं। येस, यू गाइज गॉट लकी टुडे। ओके, सो चार पाइल्स रखी है मैंने यहाँ पे, येस और नो रीडिंग है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, दिल पे नहीं लेना कोई बात। ठीक है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है, अगर कोई रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ठीक है, जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और चलिए हमारे पास यहाँ पे हैं चार पायल्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी अगर आपको उसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है वर्ल्ड। सॉरी फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स, बट जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है वो है वर्ल्ड। सेकंड कार्ड जो हमारे पास है वो है मैजिशियन। आई लव दिस मैजिशियन कार्ड, व्हाट डू यू गाइस से। थर्ड कार्ड जो हमारे पास है वो है टेम्पटेशन, टेम्पटेशन। फोर्थ कार्ड जो हमारे पास है वो है लव, लव, LOVE, लव। ओके, सो मैं आपको एक बार, लेट मी शो यू द कार्ड्स ताकि आप सेलेक्ट कर सको। ठीक है, ओके, मैं इतने कार्ड कैसे पकड़ूंगी, नेवर माइंड। ओके, सो ये थ्री कार्ड्स, ओके, लेट मी सी, हो ही जाएगा, चार कार्ड रखने की आदत है ना मेरे को। ठीक है, ओके, देखा, रिचा नाम है मेरा। ठीक है, आई हैव एडजस्टेड फोर कार्ड्स, यस, थैंक यू अलमाइटी। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द वर्ल्ड, मैजिशियन, टेम्पटेशन, एंड देन वी हैव लव। सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, और वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद फिर आप सिलेक्ट कर लो कार्ड्स। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप यू गाइस कैन सी द कार्ड्स। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड सेलेक्ट योर कार्ड्स, सेलेक्ट योर पाइल्स। ओके, सोचिएगा अपने सवाल के बारे में, क्या आपका सवाल है उसके बारे में सोचिएगा, और उसके बाद फिर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ओके,
सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक, ठीक है। सो हम शुरुआत करते हैं पाइल वन से। जिन्होंने वर्ल्ड कार्ड सेलेक्ट किया था, 21 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, या 2021 ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो आपकी विश है हो सके 2021 ईयर में पूरी हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है सैटर्न का पीरियड चल रहा है, या सैटर्न की दशा चल रही है, या ढैया चल रही है, सैटर्न रिटर्न चल रहा है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनकी कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं, हो सकता है, ठीक है। आपका नहीं चला तो उनका हो सकता है सैटर्न का पीरियड चल रहा है जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी और के बारे में पूछ रहे हो, अपने आपका क्वेश्चन ही किसी और के बारे में है, ठीक है। सो चलिए अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी। देखिए आई डोंट ट्रस्ट मी, मैंने कार्ड प्री शफल करके रखे थे और अभी मैंने बोला कि कार्मिक साइकिल चल रही है किसी की, और 10 ऑफ एयर का कार्ड आ गया, 10 ऑफ एयर विच इज ट्रेडिशनल डेक में, दिस इज द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ फायर। सिक्स ऑफ अर्थ Four of Earth, so friends, आपने लाइफ में बहुत जो है धोखा खाया है, किसी ने आपको चीट करा था, बैकस्टैप करा था, अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है, आप हील कर रहे हो उस चीज़ से, ओवरकम कर रहे हो उस चीज़ से। बहुत अड़चनें आई हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने ऑब्स्टेकल्स देखे हैं। मतलब कई बार तो हो सकता है आपको पूछते हो गया भगवान से कि भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा एन्जाइटी के इश्यूज हो, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के इश्यूज हो, कुछ लोगों को हो सकता है किसी तरह की सर्जरी हुई है, किसी का यहाँ तक कि ऑपरेशन तक हुआ है, किसी का सॉरी टू से बट ब्लड लॉस हुआ है किसी तरीके का, ठीक है। किसी का मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बैक में पेन रहता हो आपकी, ठीक है। सो ये चीज़ है, जोडिक साइंस बता देती हूँ पहले बिफोर यू गाइस, ओके से टू मी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सैज एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अगर आपकी ये साइंस है सन मून राइजिंग वीनस में तो असेंडेंट में तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप देख सकते हो, अगर आपके साथ रीडिंग रेजिनेट होती है तो भी आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो आपके अंदर वो फायर जल रही है, इट्स लाइक आपके अंदर वो जो फायर है वो आपको, अब फायर को कह लो कि वो मोटिवेशन की फायर है, फायर को कह लो कि वो इंस्पिरेशन की फायर है, या वो फायर जो है किसी तरीके से आपको मोटिवेटेड रखती है, आपको इंस्पायर करती है। वो फायर जो है, कुछ मुझे बार बार चैनल मैसेजेस आ रहे हैं कि चाइल्ड 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 चाइल्ड, सो मुझे हो सकता है कि वो जो फायर है वो आपके अंदर के बच्चे को जिंदा रखती है, ठीक है। सो आपका ड्रीम हो सकता है ये, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप क्वीन की पोजीशन पे हो, ठीक है। अब आपका जो है करियर वाइज आप जानना चाह रहे हो कि करियर में आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है, बिकॉज वी हैव द एफ क्वीन ऑफ फायर, शी इज अ क्वीन ऑफ फायर फ्रेंड्स, वो जो चाहती है उसको मिलता है। सो आपको जो चाहते हो, आपका करियर की सक्सेस चाहते हो, या किसी पर्सन को चाहते हो, लव क्वेश्चन है आपका या हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो वो मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। आपने जो बैक स्टैबिंग देखनी थी, जो बिट्रेयल देखना था, वो पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब जो है आपका अच्छा पीरियड आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है फोर ऑफ अर्थ, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई आपको, आपके आसपास सपोर्टिव लोग हैं, इतनी बुरी दुनिया भी नहीं है। आप
आपके आसपास सपोर्टिव लोग हैं, ठीक है, सो जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पता है नहीं पता है तो ये दिस इज़ अप टू यू, योर कॉल, बट आपके आसपास लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, करना चाहते हैं सपोर्ट, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ कुछ ऐसे क्या बोलते हैं कि एंटी सोशल जंतु भी हैं आपके आसपास, ठीक है, जो जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो गए इतनी ज़्यादा बैक स्टैबिंग देख के, इश्यूज देख के, ठीक है। सो जो भी आपका सवाल था फ्रेंड्स, इन शॉर्ट द आंसर इज येस, ओके। और आपने सेलेक्ट भी किया है द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। सो आपका जवाब येस है, ठीक है। सो यू कैन कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ओके। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द रीडिंग, दिस वॉज अ क्विक टू द पॉइंट प्रिसाइज रीडिंग, ओके। सो ये थी पाइल वन की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत एनर्जी लगती है, हमारी एनर्जी आधी हो जाती है, हेल्थ आधी हो जाती है, फिर भी आप लाइक करके बिना लाइक किए चले जाते हो, सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो, भाई क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। ऐसे मत करो यार, फैमिली का हिस्सा बन जाओ, ठीक है, ओके। चलिए, इतने अच्छे अच्छे तो रीडिंग्स हम लेकर आते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं, मुझे तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है इस रीडिंग, इस चैनल को चलाने से, आप लोग आते हो यही मेरे लिए बेनिफिट है, यही मेरे लिए प्रॉफिट है, यही मेरे लिए सब कुछ है, यू नो। मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया है, ये गाना आपके लिए, ठीक है। आप लोग ही मेरे देवता हो, ठीक है, तो फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। सो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से, ओके। जिन्होंने सिलेक्ट किया है मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन, ओके। ये मैजिशियन ना थोड़ा मतलब लाइक आई क्वाइट लाइक दिस मैजिशियन, यू नो, जैसे ऐसे देख रहा है ना, ऐसे स्पेक्स को नीचे करके, ठीक है। इसकी आईज भी ब्लू कलर की है, वाओ मैन, नाइस, अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। अब आप सोच रहे हो मैम सीरियस हो जाओ, रीडिंग को ले, रीडिंग आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है। द स्टार, transformations, two of air, two of cups, seven of air, eight of water. So hey, क्या बताऊँ मैं अब, what I can see over here, indecision दिख रहा है मुझे, confusion दिख रहा है मुझे, indecision है, confusion है, बहुत setbacks देखे हैं अभी life में। वो गाना मुझे याद आ रहा है, you know, कि जैसे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उसका आपको realize हुई होगी ये बात एक time के बाद, कि आप और भी लोग हैं जिनकी life में बहुत serious problems हैं, क्योंकि हो सकता है आप किसी मिस्टिक फील्ड में हो, आप हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जिसमें आप लोगों से डील करते हो, लोगों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो, या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हो, लोगों की बातें सुनते हो, लोग आपके अपने अपने प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आते हैं, लोगों को गाइडेंस आप देते हो, काउंसलिंग करते हो, कुछ भी आपका ऐसा पब्लिक से रिलेटेड कुछ ऐसा आपका काम मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। सो लोग आप पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, ठीक है। और मुझे फील हो रहा है कि चैनल मैसेज मुझे आ रहा है कि आप दो जॉब्स के बीच में कंफ्यूज्ड हो, दो जॉब ऑफर्स के बीच में, जॉब करूं या बिजनेस करूं उसके बीच में कंफ्यूज्ड हो आप, ठीक है। या अगर आपने मतलब हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, तो हेल्थ के बारे में कुछ ज्वाइन करना चाह रहे हो आप कुछ नया, और कंफ्यूज्ड हो मैं ये करूं या वो करूं, ठीक है। तो दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन लेकिन शार्प है, पता नहीं आप चैनलाइज करते हो अपने इंट्यूशन को, नहीं सुनते हो कि नहीं सुनते, लेकिन आपकी इंट्यूशन शार्प है, उसकी कृपया करके सुना करो वो क्या कहती है, ठीक है। फिर मुझे फील हो रहा है कि किसी
मुझे फील हो रहा है कि आपने या किसी पर्सन ने वॉक अवे किया था किसी सिचुएशन से, ठीक है, जिस बात को लेकर आपको वो पर्सन ने या तो आपको ट्रीट किया था, ठीक है, या वो पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, अभी तक बता ही नहीं रहे हैं आपको, आपको अटका के रखा हुआ है भाई, ठीक है। तो मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स, वो ये है कि अगर आपको किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, एट ऑफ कप्स कार्ड एक ग्रीन सिग्नल आपको दे रहा है कि भी चले जाओ वहाँ से, छोड़ दो वो जगह, चले जाओ वहाँ से, ओमिट टॉक्सिसिटी फ्रॉम योर लाइफ फॉर एवर। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, कुछ भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट, उसको ओमिट कर दो, एलिमिनेट कर दो, नो बोल दो, क्रॉस मार दो उस पर और चले जाओ वहाँ से। क्यों मुझे किसी का रिलोकेशन या ट्रैवल दिख रहा है, इस वजह से मैंने ये आपको बताया। हो सकता है आप लोग रिलोकेट कर जाओ आने वाले 8 मंथ्स के अंदर, आप ऑलरेडी कहीं नई जगह पर रह रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, काफ़ी होपफुल पर्सन हो, इटर्नल ऑप्टिमिस्ट अगर कहूँ तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ठीक है, एग्जैजरेशन नहीं होगा, ठीक है। सो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है तो नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों की जनवरी से नई शुरुआत हो सकती है लाइफ में, करियर हो, लव लाइफ हो, या मैरिज के लिए आप देख रहे हो, तो कोई आपकी विश है जो पूरी हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस पाइल का जवाब क्या है, ठीक है, इवन दो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई अपने उसको लेके इस पाइल में, बट मुझे जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि इस पाइल का जवाब है मे बी। सो हमेशा यूनिवर्स क्लियर कट जवाब नहीं देता है, जो यूनिवर्स मुझे जवाब देगा मैं वही जवाब आपको दूंगी। सो द आंसर इज मे बी, ओके, मुझे ये दिख रहा है, द आंसर इज मे बी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे नो दिख रहा है, नो ये अभी सही टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, नो, यूनिवर्स इज सेइंग नो, ठीक है। चैनल मैसेज था किसी के लिए, स्पिरिट गाइड से आया था वो मैसेज मुझे, लेकिन आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, तभी आपने मैजिशियन कार्ड चुना है, यू आर अ मैजिक मैनिफेस्टर, आप जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करके हासिल कर सकते हो, ये आपकी पावर है, तभी आपने मैजिशियन कार्ड चुना है। आप रिसोर्सफुल हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, लगाओ वो रिसोर्सेज एंड गेट व्हाट यू वांट, ओके। सो लेकिन आपकी कोई विश है जो पूरी हो रही है, आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आपको ट्रू लव मिल रहा है, आपको पहचान हो रही है कुछ सच्चे झूठे की, असली नकली की, और रियल फ्रेंड और एनिमीज की या फ्रेनिमीज की। आप रिलोकेट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बेटर सैलरी के लिए जा रहे हो, इतनी न्यू बिगनिंग्स हो रही है, जनवरी से नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, जनवरी 2021 से, ठीक है, और आपको ऑप्टिमिज्म जो है वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपकी विश है फिलहाल यूनिवर्स कह रहा है द आंसर इज मे बी, कुछ लोगों के लिए नो भी है इसका जवाब, ठीक है। सो उसकी वजह है यूनिवर्स कह रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, अभी सही टाइम नहीं आया आपकी विश का, तो लेकिन आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था पाइल टू का जवाब। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना हेट मी फॉर दिस, बट मुझे जो दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, मैं शुगर कोट करके नहीं बताती हूँ, ठीक है। सो चलिए, ओवरऑल वैसे जवाब वैसे इसका नो था, बट पॉसिबिलिटी दिखी मुझे क्योंकि टू ऑफ कप्स और स्टार का कार्ड आया था, तो इसीलिए आई सेड मे बी, ठीक है। चलिए, सो अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ, ओके। सो पाइल 3, आर यू रेडी। जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, टेम्पटेशन, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, कितना सुंदर कार्ड है ये, वैसे इस एप्पल के ऊपर हार्ट बना हुआ है ये जो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका जवाब पाइल 3। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज एम्परर,
नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज फाइव ऑफ वाटर, मून, टू ऑफ अर्थ एंड टेन ऑफ अर्थ. आपने अपनी लाइफ में किसी तरीके का लॉस देखा है, किसी को बहुत मिस कर रहे हो, कोई रिग्रेट है आपको लाइफ में, और किसी को हो सकता है किसी का चंद्रमा वीक है, या आप किस लोगों को मदर के इश्यूज चल रहे हैं, मतलब उनकी हो सकता है आपकी मॉम को हेल्थ के इश्यूज चल रहे हों, या आपकी मदर के साथ बॉन्डिंग ठीक नहीं चल रही हो आजकल. ठीक है, सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और यू नो कोई पर्सन है, बहुत ईगोइस्टिक है फ्रेंड्स, वो बहुत ईगोइस्टिक है, मतलब अपनी अकड़ ना उसने, क्या बोलूँ मैं, अकड़ू खाए हैं मतलब. ठीक है, तो एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, एबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ. ठीक है, सो एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आप मल्टीटास्किंग करने वाले हो बहुत जल्द, आप बिजी बहुत रहने वाले हो, आप जो है सीनियर पोजीशन पे पहुंचोगे. अगर अभी तक आपको कोई सीनियर पोजीशन ऑफर नहीं हुई है तो सीनियर पोजीशन पे आप पहुंचोगे. ठीक है, सो लेकिन उसके लिए आपको अपनी इस फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, फाइव ऑफ वाटर की एनर्जी से बाहर निकलना होगा. आपको ये जो आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हो, रात को जो आप जगे रहते हो, अकेले में सोचते रहते हो, रात को नींद नहीं आती आपको, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा अगर आपको अपना लक्ष्य चाहिए तो. ठीक है, अगर आपको अपने लक्ष्य को हर हाल में पाना है तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा. ठीक है, और कुछ लोगों को तो अपनी जो है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उस वो पर्सन को अपनी ईगोइस्टिक एनर्जी से बाहर निकलना होगा, या थोड़ी कुछ भी ईगो अगर है तो उसे बाहर निकलना होगा, थोड़ा हम्बल होके, मॉडेस्ट होके, तब अगर सोचा जाए, हमेशा गुस्से से काम नहीं चलता, थोड़ा मॉडेस्टी से, ह्यूमिलिटी से काम लिया जाए तो आपका काम बन सकता है. ये जो है टिप हो सकता है किसी के लिए. ठीक है, कुछ लोगों की विद इन 4 मंथ्स कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे. ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर लव लाइफ की बात करें तो कोई पर्सन है जो आपको और किसी और को जगल कर रहा है फ्रेंड्स. ठीक है, वो ऑनेस्ट नहीं है, आपको खोने से डरता है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है. सो इस पाइल का जवाब इज नो. ठीक है, इस पाल का जवाब है नो. ठीक है, सो आई होप यू गाइज डोंट हेट मी फॉर दिस. ओके, सो चलिए मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पाइल 3, बाय बाय. ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ. सो जिन्होंने ये सेलेक्ट किया था लव, लव, यू बिलीव इन लव मैन. ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पाइल 4 आपकी रीडिंग क्या आई है. 9 of air, कॉल विच इज अ जजमेंट कार्ड बाय द वे, फूल, मैसेंजर ऑफ अर्थ एंड द शैरियट. सो आपकी जो है आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो, यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, रातों को जाग रहे हो. जैसे मैं टिपिकल बोलती हूँ, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं. ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हो. ठीक है, नई या अपने लाइफ में, अपने करियर में नई शुरुआत करना चाह रहे हो, कोई जॉब ऑफर चाह रहे हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, किस तरह का ऑफर आप वेट कर रहे हो कि आपके पास आए. ठीक है, कुछ लोग नया व्हीकल लेना चाह रहे हैं. ठीक है, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है. ठीक है, या कोई दो ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना चाह,
कुछ लोग नया व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो वो आप ले पाओगे, और 7 मंथ्स के अंदर अंदर वो आप नया व्हीकल कुछ लोग ले सकते हैं, ठीक है। और फिर मुझे दिख रहा है कि 2 ऑप्शंस के बीच में अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, या तो 7 हफ्तों के अंदर या 7 महीनों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। आप आपको कोई ऑफर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, आपका रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, यस हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। सो इस फाइल का जवाब है यस, ये यस, ओके। चलिए, सो आई होप यू गाइस लाइक इट। ज़ोडिक साइंस बता रही हूँ, वैसे रीडिंग सबके लिए, ज़ोडिक साइंस वाइज रीडिंग की नहीं है ये, लेकिन मैं बता रही हूँ। एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड याद रखिए कि जो मैंने शुरुआत में जो लाइन बोली थी, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर आज हमारी कोई विश पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी पूरी ही नहीं होगी, होगी, डिवाइन टाइमिंग पे पूरी होगी, जब सही टाइम आएगा तो पूरी होगी, या आपको कुछ उससे भी अच्छा मिलेगा लाइफ में, ठीक है। तो यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, आपने बैठ के डोंट सिट आइडल एंड ट्विडल योर थम्स, ओके। यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, बेटर योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, वी आर अ कॉन्स्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस, राइट, ओके। सो चलिए, इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मैं फिर एक नई रीडिंग लेकर आपके सामने आऊँगी, और जस्ट अपनी स्माइल जो है वो मत छोड़िएगा कभी, ठीक है, क्योंकि आपकी वो उमदा सी स्माइल मेरा दिन बना देती है, ठीक है। इवन दो मेरी इंट्यूटिव आइज के थ्रू मुझे पता चल जाता है कौन स्माइल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं आपको कैसे पता, हाँ, तो कीप स्माइलिंग, ठीक है। चलिए, ओके, सो बाय, सेवनारा।